देने से पत्र दिखाया, मैंने पत्र लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, 7 तारीख को पत्र लिखा है, ये पत्र है, उसमें मैंने ये लिखा है मैं आपका काम करने के लिए कटिबद्ध हूँ और इलेक्शन में हमें मदद कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल 24 नवंबर को गोवा के अंदर सभा हुई और वहां पर अशोक रावत जी आए और उन्होंने क्या क्या बातें की वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं यदि आप हमारे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि हम आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। ठीक दोस्तों, दोस्तों अशोक रावत जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमने आपको पहले बता दी थी। उन्होंने बोला है कि आप सभी पेंशनर टेंशन ना ले क्योंकि हम 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, इस आंदोलन में हम सभी पेंशनरों को संबोधित भी करेंगे और सरकार के खिलाफ वहां पर नाराबाजी भी। विधानसभा के इलेक्शन से पहले हमने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, मुकद्दर साहब थे, राजपूत साहब थे, गांधी साहब थे, सभी लोग साथ में थे, दिन रात थे, रविंद्र जी थे, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी बड़ी आजाद प्रदान की मीटिंग। लोगों में यह पक्का निश्चित था अगर सरकार हमारा काम करेगी या ऐसा कोई मैसेज हमको मिलता है तो हम सरकार का काम करेंगे वरना हम विरुद्ध काम करेंगे। और महाराष्ट्र में ये तो हमने सिद्ध किया है, बातों में सिद्ध किया है, बता ये हमने सिद्ध किया है कि महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास या ज्यादा ईपीएस में पेंशनरों ने उम्मीद की और लोग इतने खिड़े हुए थे कि वो सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते, लेकिन 19 तारीख के शाम को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जेनेसी के टीम को भोपाल को बुलाया, हमारे महासचिव आदरणीय काफी लोग गए, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने हमारे लोगों ने हमारे नेताओं ने बताया, मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि यहां व्यस्त था, उन्होंने बताया लोगों ने हमारे लीडर लोगों ने सर लोगों का हम कोई भरोसा नहीं दे सकते जब तक आप कुछ बात कॉन्क्रीट नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक पत्र दिखाया, मैंने पत्र लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, 7 तारीख को पत्र लिखा है, ये पत्र है, उसमें मैंने ये लिखा है मैं आपका काम करने के लिए कटिबद्ध हूं और इलेक्शन में हमें मदद कीजिए, हम आपका काम करेंगे। जब उन्होंने ये कहा जूम मीटिंग की उसने बताया प्रस्ताव, तो उन्होंने कहा काम अगर इसी सरकार से करवाना है तो हम भी उनका काम करें, लेट्स सी व्हाट दे डू। पार्टी के लोग नहीं है हम, पॉलिटिक्स के लोग नहीं है, हमारे लिए हमारे पेंशनर सर्वोपरि है, उनका हित है। लेकिन अगर इतने बड़े नेता ने कहा है तो इसका फॉलो अप हम जरूर लेंगे।